समुदायों से हमारे पास अलग अलग समुदायों से अलग अलग धर्म के प्रतिनिधियों की तरफ से मैसेज आ रहे थे कि अजमेर के अंदर एक सर्वधर्म की रैली निकाली जाए, जिससे एक सद्भावना और प्रेम अमन चैन अमन शांति का मैसेज सब तक पहुंच सके। उसी क्रम के अंदर हमारी पुलिस की जो टीम है उनकी तरफ से एक्सरसाइज की गई और सब लोग साथ में मिलकर एक प्रपोजल लेके आए हैं, जिसके तहत कल 5 बजे से एक सर्वधर्म की रैली निकालना चाहते हैं, जो कि सुभाष गार्डन से चालू होगी और गांधी उद्यान के ऊपर, गांधी स्मारक के ऊपर हमारे ख़त्म होगी। उसके अंदर सभी धर्मों के जो मेन हमारे धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जाएंगे और सब जगह स्वागत होगा। मेरा मानना ये है कि इससे जो शहर के अंदर अमन शांति का जो मैसेज है वो बहुत अच्छे से जा पाएगा, हमारे हर प्रकार के आने वाले धार्मिक आयोजनों के अंदर के भी उसका फ़ायदा होगा और एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज है जो हर जगह जा सकेगा। क्योंकि ये इतना पॉजिटिव मैसेज है इसलिए पूर्ण रूप से प्रशासन और पुलिस का इनके पास पूरा सहयोग रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जुड़ भी सके और एक बहुत पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया तक भेज सके। सुभाष गार्डन से चालू होगा, कहाँ तक जाएगा? ये लोगों का इंटेंशन है, हमारे पास अलग अलग जगह से मैसेज आ रहा था क्योंकि ये पॉजिटिव है। हम लोग नॉर्मली भी काफ़ी सारी रैलीज निकली है, हमने उनको भी परमिशन दिया है, यहाँ पर ये सब लोग भी निकालना चाहते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव मैसेज है। हमारे हिसाब से प्रशासन की तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज भिजवाने के अंदर भी मदद करता है, तो इसीलिए हम लोग इनका सपोर्ट करते हैं। मेरा ये मानना है कि इसके अंदर हम लोग जो देख पा रहे हैं कि अलग अलग समय के ऊपर अजमेर के अंदर कई बार ये मैसेज आया है कि यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन किसी प्रकार से फैलाई गई थी। इसी क्रम के अंदर लोग कई आके बोल रहे थे कि हमारे को एक रैली निकालनी चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि वो जो कार्रवाई है वो एक सेपरेट मैटर है, उसके ऊपर पुलिस अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। आप देखिए उसका जो मॉडलिटीज है वो भी हमारी पुलिस टीम डिसाइड करेगी। उसके अंदर जो मूल फोकस है, मूल फोकस वही है कि अमन चैन शांति की जो बात करें उन्हीं को रखा जाए, तो उस हिसाब से उसी का प्रारंभ है। उसके बावजूद कल उन्होंने आपसे साथ में बैठक की और आज उन्होंने मीडिया के सामने भी आके कहा कि हम एक रैली शांति मार्च जो है वो निकालेंगे, इसके लिए हमें प्रशासन की ओर से परमिशन मिल रही है। तो जब हम उन्हें नोटिस भी जारी कर रहे हैं और सारी चीज़ें आ रही है सामने, तो उसके बाद में इस तरह के बयान, इन्हें किस तरह से देखते हैं? अब देखिए इसमें मेरा ये मानना है कि जहाँ तक कि जिला प्रशासन की बात है, हम तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, चाहे वो सही है चाहे गलत है, हम तो सबकी बात सुनते हैं। जहाँ तक की बात है शांति रैली की, ये जो शांति रैली है इसके अंदर हमारे पास अनेक धर्मों के अनेक समुदायों की तरफ से आया है, उनका क्या प्लान है और हमारा क्या प्लान है मेरा मानना है कि वो सेम नहीं है। सरवर चिश्ती को नोटिस दिया गया है लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं। देखिए जो पुलिस की कार्रवाई है उसके ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा, अगर वो सब जुडिस है या सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है आई डोंट थिंक उसके ऊपर कमेंट करूंगा। आपके द्वारा परमिशन दी गई थी जो मार्च निकाला गया था मुस्लिम समुदाय के द्वारा, उसके अंदर नारेबाजी की गई सर तन से जुदा करने की बात सामने आई, और जैसा मेरी जानकारी में है कि उस जो नारेबाजी अगर गलत हुई है उसके ऊपर एफआईआर नहीं, तो उनमें जो आयोजक थे जिन्होंने परमिशन ली थी शहर काजी के साथ में 12-13 अन्य लोग थे, क्या हमने उन्हें जांच के दायरे में लिया है, क्या हमने उनसे पूछताछ की? वो अगर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है उसके ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। सर शांति मार्च होगा और इसका पूरा रूट किस तरह से डिफेंड किया? कल जो अजमेर जो धार्मिक नगरी है और शांति और सौहार्द की नगरी है, उसमें सर्वधर्म के धर्म गुरुओं की तरफ से और विभिन्न आयोजकों की तरफ से और अन्य लोगों की तरफ से भी मैसेज आ रहा था कि हम एक शांति मार्च निकालना चाह रहे हैं। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से एक तैयारी की गई है कि कल शाम को 5 बजे एक शांति मार्च है वो निकाला जाए, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु और पूरे अजमेर के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हो, ये मैं अपील करता हूँ। और ये जो रूट हमारा रहेगा ये सुभाष उद्यान से होकर के और विभिन्न धार्मिक स्थलों से होते हुए जो गांधी भवन है वहाँ तक जाएगा और वहाँ पे राष्ट्रगान के साथ में इसका समापन होगा। और इस शांति मार्च के द्वारा हम देश और दुनिया को ये संदेश देंगे कि अजमेर शांति प्रिय नगरी है, था और रहेगी और इसको हम और मजबूती से पेश करेंगे। क्या ये जुलूस दरगाह के निजाम गेट के बाहर से है? बिल्कुल, इसका जो है विभिन्न धर्म जो स्थल है उनके पास से होके हुए गुजरेगा और हम सभी धर्मगुरुओं से भी ये
उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं कि वो अपने अपने धार्मिक स्थल या व्यापार मंडल हैं तो व्यापारिक स्थल है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इस शांति मार्च का स्वागत करें। शनिवार को भगवान श्री जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई थी, उसे परमिट नहीं किया गया था निजाम गेट से बसंती से निकलने के लिए, उसका रूट बदला गया। सालों से वह यात्रा उसी मार्ग से निकलती हुई आ रही है, तो जब दो दिन में इतने हालात बदल गए कि हम एक रैली को लेकर के फिर निजाम गेट तक पहुँच सकते। हालात बदलने के लिए एक दिन काफ़ी होता है, और जो शांति के हालात हैं वो मैं अजमेर के निवासियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी है जो हालात जो दूसरी जगह की वजह से थोड़ा माहौल में कंफ्यूजन था उसको दूर किया है और सब लोग मिलकर के ये शांति मार्च निकाल रहे हैं। उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए अब तक जिसने ये माहौल पैदा किया? जिन्होंने इस तरह का माहौल पैदा किया हुआ है वहाँ FIR है और उसके अंदर कानूनन कार्रवाई हो रही है।